20,000 रुपए के अंदर सबसे अच्छा फोन कौन सा है? तीन ऑप्शन है मेरे पास आज, iQOO Z9, OnePlus Nord C4 Lite और Realme Narzo 70 Pro। तो सबसे पहले बात करते हैं iQOO Z9 की। तो इस फोन में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि ये इस सेगमेंट का सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला फोन है। यहाँ पर मिलता है आपको MediaTek Dimensity 7200। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छी सेटिंग्स मिलती है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलती है। यहाँ पर आपको अगर कैमरा की बात करें तो एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, वो है सोनी का, जो कि बहुत अच्छी फोटोज लेता है। यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है जिससे आप में उसका रिजल्ट जो है देख सकते हैं। अब डिस्प्ले भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, ये बहुत ही ब्राइट हो जाती है, मतलब डे लाइट में आपको काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो यहाँ पर ये आराम से एक दिन लास्ट कर जाती है। अब बेशक यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी है, लेकिन जो चार्जर है वो सिर्फ 44 वाट का है और वो इस प्राइस बैकअप के अंदर सबसे कम पावरफुल चार्जर है। अगली चीज जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो है कि यहाँ पर कोई भी हेडफोन जैक नहीं है, जबकि दोनों फोन्स में, जो बाकी दोनों फोन्स है, वहां पर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। और एक और चीज जो मुझे इसमें पसंद नहीं आई वो है कि इस प्राइस पॉइंट पर भी इसमें काफी सारे ब्लोटवेयर आपको देखने मिल जाते हैं। अगला फोन है और वो है OnePlus Nord C4 Lite। अब इस फोन के बारे में अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं उन चीजों से जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है। सबसे पहली चीज है खराब परफॉर्मेंस। इस फोन में मिलता है आपको Snapdragon 695 जो 3 साल पुराना चिपसेट है। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं या बहुत ही नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। एक और चीज में ऐड करें तो यहाँ पर आपको कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, और वो क्योंकि Snapdragon 695 की लिमिटेशन है। अल्ट्रा वाइड सेंसर कोई नहीं मिलता है आपको यहाँ पर, और साथ ही में यहाँ पर कोई भी HDR प्लेबैक नहीं है यूट्यूब जैसी एप्स पर। लेकिन जो बैक है ये बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करती है, शायद से ये इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ग्लॉसी है और शायद से इसको ग्लास बैक की तरह रिजेंबल कराने के लिए ऐसा कुछ किया गया है। अब मैं इसे प्रोज में रख सकता था लेकिन इस ग्लॉसी बैक की वजह से मैं इसे कॉन्स में रखना चाहूंगा। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे फोन पसंद आई है, और वो है इसका बैटरी बैकअप। यहाँ पर आपको मिलती है 5500 mAh की बैटरी और साथ ही मिलता है आपको 80 वाट का चार्जर, और ये इस सेगमेंट का सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग फोन है। अब सच बताऊं तो ये इकलौता ऐसा प्रोज था इस फोन के अंदर जिसे मैं मेंशन कर पाया। तो जो लोग बैटरी ज्यादा पसंद करते हैं फोन के अंदर, अच्छा बैकअप चाहिए जिनको, वो इस फोन के साथ जा सकते हैं। हम चलते हैं अगले फोन की तरफ और वो है Realme Narzo 70 Pro। तो यहाँ पर पहली चीज जो मुझे पसंद आई है वो है इसमें मिलता है आपको ग्लास बैक, और ये इकलौता फोन है इन तीनों में से या सेगमेंट के अंदर जिसमें आपको ग्लास बैक मिलता है। साथ ही में आपको बहुत ही कमाल का प्राइमरी सेंसर मिलता है जो कि है सोनी IMX890। तो आपको काफी अच्छी फोटोज ये ऑफर कर सकता है और कुछ कुछ एरियाज में iQOO Z9 से भी अच्छी फोटोज ले लेता है। इस फोन की परफॉर्मेंस भी मुझे काफी ज्यादा सही लगी। यहाँ पर रन करता है MediaTek Dimensity 7050 पर, ये डिसेंट परफॉर्मेंस ऑफर करता है, इस पर गेमिंग भी कर सकते हैं। अब ये उतना बढ़िया परफॉर्म तो नहीं करता है जितना iQOO Z9 करता है। अब बेशक तीनों फोन्स में आपको AMOLED स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसकी जो स्क्रीन है ये लगभग 2000 nits की HDR पीक ब्राइटनेस को ऑफर करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे धूप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी ऑफर कर पाती है। अब तीनों फोन्स में आपको स्टीरियो सेटअप मिलता है, लेकिन जो उसका स्टीरियो सेटअप है वो मुझे दोनों के मुकाबले थोड़ा बेटर लगा है। साथ ही में आपके पास यहां पर 3.5mm जैक भी है, अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है और बैटरी बैकअप भी डिसेंट है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको, साथ ही में आपको 67 वाट की चार्जिंग मिलती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है। अगर आप YouTube पर HDR प्लेबैक करते हैं तो आपको एक येलो टिंट दिखता है जो मुझे समझ में नहीं आया, शायद वो अपडेट्स के थ्रू जो ठीक हो सकता है। दूसरी चीज है यहाँ पर Realme Narzo के साथ प्रॉब्लम है कि ये अपडेट्स जो हैं बहुत ही स्लो डिलीवर करते हैं। तो अगर आप अपने फोन्स को बहुत अप टू डेटेड रखना पसंद करते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपके पास नहीं है क्योंकि बहुत डिलेड यहाँ पर आपके पास अपडेट्स पहुंचेंगे। और अगली चीज है कि इस फोन का जो डिजाइन है ना मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, बहुत ही शार्प एजेस हैं, फोन को बॉक्सी एंड ग्लॉसी दिखाने की वजह से फोन को होल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। अगर आपको बैटरी बहुत ज्यादा पसंद है, आपको बहुत लंबा चलने वाला फोन चाहिए और आपको फर्क नहीं पड़ता कि बहुत परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे बहुत ही कमाल का कैमरा सेटअप चाहिए, तो वहां पर ये फोन आपको अच्छी बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड ऑफर करता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं वो बहुत सारी चीजें बेसिकली मिसिंग है। दो फोन ऐसे हैं जहां पर बहुत टाइट कंपटीशन है और वो है Realme Narzo 70 Pro और iQOO Z9। तो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो iQOO Z9 के साथ आप जा सकते हैं। अगर एक ओवरऑल ऑलराउंडर जिसे बोलेंगे अगर, तो वो है Realme Narzo 70 Pro। हाँ, यहाँ पर स्लो अपडेट्स हैं, डिजाइन उतना पसंद नहीं है, लेकिन आप कवर तो लगा ही लोगे, इन दी एंड सॉफ्ट हो ही जाएगा वो। तो इन तीनों फोन्स में से आपको किस फोन के साथ जाना चाहिए काफी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि किसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको अगर 20,000 रुपए खर्च करने तो आप इन तीनों फोन्स में से किस फोन के साथ जाएंगे मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।